नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूँ नितिशा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बुधवार रात से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि गंग नहर को हर साल दशहरे से दीपावली तक सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद किया जाता है। इस बार कुंभ मेले के लिए कई घाटों का निर्माण होना है, ऐसे में इस वार्षिक बंदी के दौरान कई निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं गंग नहर के बंदी के दौरान दिल्ली NCR में पानी की कमी हो सकती है, साथ ही गंग नहर से सटे इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो सकती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के SDO विक्रांत सैनी ने बताया कि बुधवार को आदेश आने के बाद गंग नहर को बंद किया गया है। हर साल की तरह हर की पैड़ी पर स्नान के लिए पर्याप्त पानी छोड़ा जाएगा। अक्टूबर से 27 का प्रोपोजल हमारा गया था शासन, लेकिन जो हमें सहमति वहाँ से आदेश प्राप्त हुए हैं वो 9 तारीख से मतलब बंद करने के हैं, तो उसी के क्रम में हमने रात 12 बजे ऊपरी गंगा नहर को हेड से बंद कर दिया। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, दिल्ली के पानी के लिए जैसे दिक्कत रहती है तो हमारे जितने भी हम पानी रोक सकते हैं वहाँ पर नहर में गेटों को बैठा के पानी उनके लिए सरपस रखा जाता है रोक के, और धीरे धीरे उसको रिलीज करते रहते हैं। तो इस बार तो मतलब नहरबंदी 19 दिन की है लगभग, तो दिल्ली और गाज़ियाबाद को पर्याप्त पानी इस बार उपलब्ध रहेगा। बाकी यही बात है, सिंचाई इस टाइम जो कि न्यूनतम रहती है तो सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जैसे हर की पैड़ी पर जल देने की बात है तो उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, उसके लिए जो भी हमें कराना होगा कार्य वो हम लोग कराएंगे। की पैड़ी पर मतलब कमर तक मतलब 3 फुट 3.5 फुट तक मतलब जल हम लोग उपलब्ध कराते हैं।